ऊपर से। और ये कौन सी लैंग्वेज है? शिलालेख। ये छोटा पहाड़ में 450 शिलालेख मिल गए। 450 कर्नाटक का सबसे प्राचीन शिलालेख इस छोटा पहाड़ में 450। अच्छा, लेकिन ये पुराना कन्नड़ भाषा, अभी नया कन्नड़ भाषा। नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा सेकंड डे है श्रवण बेलगोला में, और आज हम चंद्रागिरी पर्वत जाने वाले हैं। विद्यागिरी गए थे, अभी एक दूसरी पर्वत है उसमें भी चढ़ाई करने वाले हैं। वो छोटी है, उतनी बड़ी नहीं है। और उसके बाद आज हमारा शाम को निकलने का प्लान है, कल हम दूसरी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। तो ये है रूम, ये जैन धर्मशाला है। एक यहाँ पर डबल बेड है जैसे आप देख रहे हैं, और बाथरूम में गीज़र लगा है। तो जैनों की धर्मशाला है ये, और बहुत चीप रूम है, अराउंड 435 रुपीज़ का पर डे है ना। तो जैनों की धर्मशाला काफ़ी सारी हैं यहाँ पे, और अगर आप सेंटर में जाएंगे ना तो वहाँ पे होटल भी है। तो अभी हम होटल भी दिखाएंगे आपको, अभी जाके वहाँ नाश्ता करने वाले हैं। तो अभी इसका बाहर से भी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, सिर्फ एक टिप देना है आपको, आप कभी भी आओगे ना यहाँ पे या ऐसी छोटी जगह कहीं पे भी रुकते हो, तो ये ज़रूर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे मच्छर बहुत रहते हैं, तो आप सो नहीं पाओगे नहीं तो, अगर नहीं लगाओगे तो। दोस्तों, ये है हमारा रूम, और ये सब ओपन है इसीलिए मच्छर का थोड़ा इशू ज़्यादा होता है। अभी शायद यहाँ पे और कोई नहीं है, मैं ही हूँ, कुछ लोग थे वो चले गए। ये देखो, ये देखो क्या बढ़िया व्यू है यहाँ। कैसा है ना, घास वास पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए थोड़ा उसका है, ज़्यादा है थोड़ा मच्छर का। और ऐसे अलग अलग गेस्ट हाउस बने हुए हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो आप। ये मेरा जो गेस्ट हाउस है इसका नाम सर्वागी है। ऐसे बहुत सारे हैं, ये पूरे पीछे तक रूम ही रूम है। ऐसे बिल्डिंग्स और रूम बने हुए हैं, बड़े और छोटे भी हैं। यहाँ उन्होंने कोई बताया था कि ऐसे बड़े बड़े रूम हैं जिसमें तीन तीन चार चार लोग आ सकते हैं, और एसी रूम्स भी हैं अगर आपको चाहिए हो तो, है ना। तो एसी रूम्स का किराया थोड़ा ज़्यादा है, और एसी की ज़रूरत नहीं, अभी ठंड का मौसम है, और भैया ठंड लग रही है ना, ठंड बहुत है यहाँ पर, रात को भी हो गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर दो धर्मशाला हैं, एक ये है और एक यहाँ से एंट्री मारने पर। यहाँ जो है गीज़र वाले रूम है, यहाँ पे नहीं है। तो जब आप आते हो ना तो वहीं अंदर लेना, क्योंकि यहाँ ठंड होती है, तो पानी गर्म कैसे करोगे नहाने के लिए। तो दोस्तों, ये एक होटल है यहाँ पे, होटल रघु प्योर वेज करके, और यहाँ पे इनके यहाँ रूम भी हैं। ये बिल्कुल सामने ही है वो विद्यागिरी पर्वत के। तो दोस्तों, ये जो होटल रघु है, यहाँ पे भी रूम अवेलेबल है 600 से 1000 तक। 600-700 है नॉन एसी का, और 1000 जो है वो एसी का है। तो आप यहाँ पे भी रह सकते हैं। यहाँ बस एक ही फ़ायदा है कि ये बहुत पास है वहाँ चढ़ना, और यहाँ पे खाना नाश्ता सब मिलता है, तो यहाँ भी आ सकते हो आप। तो दोस्तों, हम पहुँच गए यहाँ, चंद्रगिरी पर्वत पे चढ़ेंगे, और चंद्रगिरी पर्वत की कुछ स्टोरीज हैं वो भी बताऊंगा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य आए थे यहाँ पे, ये देख सकते हो आप। तो दोस्तों, वहाँ पे चप्पल का काउंटर है, वहाँ रख सकते हो, और यहाँ स्ट्रिक्टली लिखा है चप्पल पहन के नहीं जाना। ये तो मुझे पता है, क्योंकि सारे जैन तीर्थों पे ऐसा ही होता है, आप पहन के नहीं चढ़ सकते, और मंदिर के बाहर भी उतारनी पड़ती है। ये देखो दोस्तों, देखो क्या सॉलिड व्यू है, वो लेक वहाँ से दिख रहा है, और वहाँ पे है बाहुबली भगवान। और डिफ़िकल्टी लेवल इसका हाई है, क्योंकि देखो सीढ़ी दिखनी बंद हो गई, खड़ी चढ़ाई है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है यहाँ और इसके ऊपर भी, डिफ़िकल्टी लेवल इसका भी हाई है। बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो दोस्तों देखो, पहुँच गए हम अपनी मंजिल पर, और वहाँ पर अंतिम श्रुत केवली भद्रा बाहू की मुनि की गुफा है, और चरण भी है। यहाँ देख रहे हो दोस्तों, शांतिनाथ भगवान है, श्री शांतिनाथ वसदी लिखा हुआ है, शांतिनाथ भगवान है यहाँ पे।
तो दोस्तों यहाँ पे भरत चक्रवर्ती हैं, भारता बोलते हैं उनको, और इनकी वजह से ही नाम भारत पड़ा है अपने देश का, ये देख सकते हो आप। ये भी एंशंट प्रतिमा है। सुपार्श्वनाथ भगवान का है, ये देख सकते हैं लिखा हुआ है। ये भी पूरा एंशियंट है, आप देखिए कितना पुरानी है ये बनावट। तो दोस्तों ये चंद्रनाथ तीर्थंकर है, भगवान श्री चंद्रनाथ तीर्थंकर। तो दोस्तों ये मंदिर देख रहे हो, 10th सेंचुरी का मंदिर है, अनबिलीवेबल। ये देख रहे हो ऊपर भी भगवान की प्रतिमा है। यहाँ ऊपर भी है, ये देख रहे हैं तीर्थंकर नेमिनाथ हैं। नेमिनाथ भगवान भी बोलते हैं। तो दोस्तों देखो कैसी स्टेप्स हैं, इतनी छोटी छोटी, और वहां पे है पार्श्वनाथ भगवान, मंदिर है ऊपर। और यहाँ चलना थोड़ा डेंजरस है क्योंकि उतरते टाइम प्रॉब्लम होगा फिर। ये देखो गोसलो लिखा हुआ है। यहाँ पे एक और टेंपल है दोस्तों, वैसे ही रॉक कट है। आदिनाथ भगवान है यहाँ पे, एज यूजुअल कुछ तो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों ये 11th सेंचुरी में बना है, 11th सेंचुरी का है। शांतिनाथ भगवान है। ये भी 11th सेंचुरी का है, बाहुबली भगवान की 4 फीट की है। दोस्तों देखो कितना शानदार व्यू है ऊपर से। यहाँ पे एक डोर दिख रहा है, वो क्लोज्ड है, वो उस साइड से निकलने का होगा नीचे। और यहाँ पे लेक है। ये एक मंदिर है लेकिन ये बंद था, और यहाँ पे भी एक मंदिर है वो भी बंद था, मैं कल जा चुका हूँ। तो दोस्तों ये देख रहे हो आप, ये यहाँ पे स्टेप्स बनी हैं, 4 सीढ़ियाँ हैं, और ये यहाँ तक जा रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये मंदिर में जाने के लिए बनाया होगा, ये ऊपर वाला कंस्ट्रक्शन नहीं होगा जो वाइट कलर का दिख रहा है, तो यहाँ से भी चढ़ जाते होंगे लोग। दोस्तों ये देख रहे हो 11वीं सदी की लिखावट है, शांतला देवी, और ये उसी लैंग्वेज में लिखा है कोई दूसरी, शायद कन्नड़ा होगी।
तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, 7th century की लिखावट है यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप। ये भी 11th century का है मंदिर। तो दोस्तों देख सकते हैं एक और टेंपल है, ये देखिए कितनी अच्छी कलाकारी करी हुई है यहाँ पर। पार्श्वनाथ तीर्थंकर है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। शुद्ध केवली भद्रा हो स्वामी और सम्राट चंद्रगुप्त के आगमन का शिलालेख। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो यहाँ आए थे और उन्होंने दीक्षा ली थी। पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा ये सबसे ऊंचा है मूर्ति, क्या है ये मूर्ति? अच्छा अच्छा ये मूर्ति देखो, ये मूर्ति पीछे कुछ सपोर्ट नहीं है। अच्छा कुछ भी सपोर्ट नहीं है, ये कमर पीठ है ना। हाँ हाँ हाँ, नीचे कमर पीठ। अच्छा इसकी नीचे तालाब तक हुआ, कुआ के ऊपर मूर्ति प्रतिष्ठापन की है। इसके कन्नड़ में बोलते हैं अंतराल पार्श्वनाथ भगवान, हिंदी में चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान बोलते हैं ना, कन्नड़ में अंतराल पार्श्वनाथ भगवान। ओके 21 फीट ऊंचा है, 30 फीट है। अच्छा और इसमें कुछ सपोर्ट नहीं है, एक ही स्टोन से पहले भगवान प्रतिष्ठापन किया, इसके बाद मंदिर बना दिया। ओके तो एक ही स्टोन का बना, एक ही पत्थर है। और ये कौन सी लैंग्वेज है? शिलालेख, ये छोटा पहाड़ में 450 शिलालेख मिल गए। 450 कर्नाटक का सबसे प्राचीन शिलालेख इस छोटा पहाड़ में 450। अच्छा नहीं लेकिन ये कन्नड़ा भाषा, हाँ पुराना कन्नड़ा भाषा, अभी नया कन्नड़ा भाषा। अच्छा तो ये किसी को नहीं समझेगा, इधर इधर कॉलेज है ना, मैसूर में कॉलेज है, पढ़ने के लिए आता है। अच्छा वो प्राकृत लैंग्वेज नहीं, तो ये तो पुराने अलग अलग बोलते हैं, पुरानी कन्नड़ी भाषा। ओके अलग अलग, ओके प्राकृत तो अलग है। तो दोस्तों ये जो मंदिर यहाँ बना है ना, ये सबसे प्राचीन है, सबसे ओल्ड है, ये 2000 साल पुराना है ऐसा उन्होंने बताया मुझे, और बहुत ही सुंदर है दोस्तों। अगर आप जैन हो तो यहाँ बिल्कुल आना, और अगर आप जैन नहीं भी हैं और हिस्ट्री आपको पसंद है तो भी आप आ सकते हैं। दोस्तों 10th century का है ये, फीट है श्री देवा करके किसी की, ये देख रहे हैं दोस्तों, हैंड राइटिंग ऑफ श्री रना कवि एंड चामुंडराया। ये जो ऐसे शिलालेख यहाँ पे बहुत सारे मिले हैं यही मुझे अभी बताया था। उस टाइम पेपर पेंसिल कुछ नहीं होता था तो सब ऐसे ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों हमारा सफ़र यहीं ख़त्म हुआ, पूरी तीर्थ यात्रा हो गई है। यहाँ पे सब शिलालेख हैं, और सिर्फ यहाँ पे नहीं है, हर जगह है वो, हर जगह जैसे ये बनी हुई है ना टॉवर जैसे छोटे छोटे, उन पे भी लिखा हुआ है, और ये ओल्ड कन्नड़ा भाषा है।
तो दोस्तों वहाँ पे वो बाहुबली भगवान की प्रतिमा है, और ये देखो यहाँ से हम अभी नीचे उतर रहे हैं। यहाँ थोड़ी दूर तक तो अभी स्टेप्स भी नहीं है, तो ऐसे ही पकड़ पकड़ के चट्टान पे से चढ़ के उतरना पड़ेगा, और आगे जाके फिर स्टेप्स आ जाती हैं। तो दोस्तों देखो क्या सुंदर व्यू है, बहुत ही गजब का नज़ारा। वहाँ ऊपर है वो विद्यागिरी पर्वत और भगवान बाहुबली की प्रतिमा, और ये पूरा सिटी का व्यू यहाँ से। तो दोस्तों हो गई हमारी तीर्थ यात्रा कंप्लीट चंद्रगिरी के साथ। कैसा लगा ये तीर्थ यात्रा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।